उज्जैन महिंदपुर थाना क्षेत्र में मंगलवार को वन विभाग की टीम ने एक आर मशीन पर अवैध लकड़ियों की जानकारी प्राप्त होने के बाद वहां छापेमार कार्रवाई की। इसकी सूचना मिलने पर पत्रकार कवरेज करने पहुंचे, जिन पर लकड़ी माफिया चाचा भाई व तीन अन्य लोगों ने मिलकर हमला बोल दिया, जिसमें एक गंभीर रूप से तथा तीन अन्य लोग घायल हो गए। घायलों में गंभीर रूप से घायल को उज्जैन रेफर किया, जबकि शेष तीन को महितपुर में उपचार दिया जा रहा है। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपियों की सरगर्मी से तलाश शुरू कर दी है। गया हुआ था, कवरेज कर रहे थे, उस प्रकार से हमला किया गया है। किस प्रकार से कार्रवाई की जाएगी और किस प्रकार से क्या रहेगा? अभी कुछ समय पहले ही ये सूचना प्राप्त हुई थी कि जो पत्रकारगण है वो अशरफ पठान की ताल पर कुछ कवरेज के लिए गए थे। अब वो कुछ वन विभाग का शासकीय कार्यवाही का कोई मैटर रहा था उसमें, उसकी जानकारी ली जा रही है। तो पत्रकारगणों के द्वारा जब कवरेज किया गया तो मुश्ताक मोहिद्दीन अन्नू और अशरफ पठान और अन्य कुछ लोग और भी थे, उनके द्वारा प्राणघातक हमला किया गया, जिसको तत्काल ही उज्जैन रेफर कर दिया गया फरियादी को, और दो पत्रकारगणों को उज्जैन रेफर किया गया, साथ में 307 की कार्रवाई की जा रही है। सर, राइट्स और रूल्स के हिसाब से पत्रकार जब कवरेज करने के लिए जाते हैं वहाँ पर ऑलरेडी प्रशासनिक अधिकारी भी रहते हैं और उनकी सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी भी रहती है। इतनी बड़ी चूक जो है महितपुर थाने में आई है कि महितपुर में जब पत्रकार कवरेज कर रहे थे और उनके दलों पर हमला हो जाता है, अब क्या होना चाहिए और किस प्रकार से कार्रवाई करेंगे आप? इसमें मैं बात आपको स्पष्ट करना चाहूँगी कि जब ये कार्रवाई वन विभाग के द्वारा और रेवेन्यू के द्वारा की जा रही थी, पुलिस को कोई संज्ञान में नहीं डाला गया कि ये कार्रवाई उनके द्वारा की जा रही है। संभवतः अगर ये बात कर बताई जाती तो पुलिस बल भी जाता। ये जब घटना हो गई इसके बाद ये सूचना आई कि वहाँ पे ये वारदात हुई है, अदरवाइज गुंजाइश सारी थी कि ये घटना ना होने पाती। पर अब जैसे ही ये चीज़ हुई है तो उसमें तत्कालीन संज्ञान में लिया गया है और 307 की टाइमिंग भी की गई है, और हमारे चारों थाना क्षेत्र के थाना प्रभारियों को मैंने सभी जगहों पर जहाँ गुंजाइश हो सकती है दबिश के लिए भेजा गया है। अभी कितने आरोपी गिरफ्तार किए गए? आरोपी तो कोई नहीं मिला, पर उसके परिवार के जो लोग थे उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया है। थैंक यू सर। हर बार की तरह इस बार भी पूरे हिंदुस्तान से सैकड़ों हाजी हज यात्रा के लिए जाएंगे। इस क्रम में आष्टा से जाने वाले हाजियों के लिए ट्रेनिंग कैंप लगाया गया। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी आष्टा से बड़ी संख्या में लोग हज यात्रा के लिए रवाना होंगे। जिला हज कमेटी अध्यक्ष जाहिद गुड्डू ने बताया कि आष्टा से इस वर्ष करीब 84 यात्री हज यात्रा के लिए जाएंगे। कैंप में हज पर जाने वाले हाजियों को वैक्सीन टीके लगाए गए, साथ ही हज के दौरान किए जाने वाले आवश्यक तौर तरीकों के बारे में समझाया गया। हाजियों को अरहाम बंधना, सब सारे अरकान और हज के समय होने वाली इबादत के विषय में विस्तार से समझाया गया। हाजियों के जो कैंप लगाया गया है, तकरीबन कितने हाजी इस बार आष्टा से जा रहे हैं और क्या इनका मेडिकल ट्रीटमेंट हो रहा है? आष्टा से लगभग 100 हाजी जा रहे हैं और पूरे पूरे जिले से 253 हाजी जा रहे हैं, और अभी हमारा 7 जुलाई को एक सीओ में नसरुल्लागंज, बुधनी, छावा, अहमदपुर का भी एक कैंप लगा था और वहाँ पर भी हम 153 हाजियों को टीके और उनका मेडिकल चेकअप, हेल्थ चेकअप, और हमारे मुफ्ती भोपाल ने उनको सारे हज की तरतीब वगैरह बताई, और उसमें हमारे एसपी कलेक्टर साहब भी, उसमें हमारे प्रभारी मंत्री आरिफ वकील साहब के छोटे भाई आरिफ वकील और वहाँ के सारे स्थानीय नेता नागरिकगण उपस्थित थे। वहाँ भी कार्यक्रम हुआ। आज हमारा यहाँ पर किले जामा मस्जिद में भोपाल काजी मुश्ताक साहब की मेहरबानी में आज सुबह 11 बजे से हाजियों को तरतीब और वहाँ पर जाने वाले हाजियों को पूरी तरह से समझाई की जा रही है कि हज पे जा रहा है और देश के लिए और प्रदेश के लिए और शहर के लिए अमन की दुआ करें, भाईचारा आपस में रहे इसकी दुआ करें और वहाँ पर जाएं। तो जो जो भी वहाँ के अरकान हैं उन्होंने पूरे सुबह 11 बजे से जामा मस्जिद में उनकी समझाई दी जा रही है। लेडीज़ों को टीके, यहाँ पर हमारे साहिब भाई हैं जो मुसलसल 10 सालों से हाजियों की खिदमत करते हैं, और उनके साथ मोइन भाई हैं, अल्तान भाई हैं, हमारे बब्बर गाजी साहब हैं, तोसी भाई हैं, तो सभी हैं वो पूरी मेहनत कर रहे हैं। और आज यहाँ पर हमारी चिकित्सालय से पूरी टीम टीके लगाने का काम कर रही है,
और मुझे हमारे प्रभारी मंत्री आर्य वकील साहब ने इसके लिए जिला हज कमेटी का अध्यक्ष बनाया है और मुझे निर्देश दिए कि सारों को बॉम्बे तक आप ले जाएंगे और उनको वहाँ पर कोई भी असुविधा उसके लिए आप फौरन उनको बताइए तो उसका हल करेंगे। कोई भी हाजी को कोई दिक्कत आने जाने में नहीं आना चाहिए और हमारे भोपाल हज कमेटी की तरफ से 12 साथ उनको खादी उपजात बोलते हैं उनके साथ जा रहे हैं, उनको कोई तकलीफ आती है तो वहाँ पर मदद करेंगे। और हमारे जो भोपाल रायसेन और आष्टा में जो हाजियों को एक स्पेशल हमारे भोपाल नवाब की तरफ से जो रुबात में जगह रही है उसमें भी उनको जगह मिल रही है, बाकी लोगों को नहीं मिल पाई है तो उनकी दूसरी जगह इंतजाम होगा। शुक्रिया। ठीक है। राहुल गांधी के खिलाफ विवादित टिप्पणी मामले में एफआईआर दर्ज होने पर सुब्रमण्यन स्वामी ने ट्वीट कर जवाब दिया है। सुब्रमण्यन स्वामी ने कहा कि राहुल गांधी कोकीन का सेवन करते हैं और वह डोप टेस्ट में फेल हो जाएंगे। इस बयान के बाद छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने अलग अलग स्थानों में सुब्रमण्यन स्वामी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराना शुरू कर दिया। कोरिया जिले के चिरमिरी नगर में ब्लॉक कांग्रेस चिरमिरी द्वारा महापौर के डमरू रेड्डी नगर क्षेत्र के विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष कश्यप के नेतृत्व में आज चिरमिरी थाने में सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए कांग्रेसजनों ने जमकर नारेबाजी कर थाने में एफआईआर दर्ज कराई और कार्रवाई की मांग की। इस संबंध में महेंद्रगढ़ क्षेत्र के विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल ने सुब्रमण्यम स्वामी पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि स्वामी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, मैं विधायक के साथ साथ डॉक्टर हूँ, स्वामी जी का सिर का स्कैन करना चाहिए जिसमें उनके सिर में बहुत सारी खामियां मिल जाएगी। देश भर में बेरोजगारी की समस्याएं, किसानों की समस्याओं को छोड़कर नाप शनाप बयानबाजी करने के विरोध में कांग्रेस द्वारा जगह जगह पर थाने पर एफआईआर दर्ज कराने पर जोर दिया जा रहा है। आज कोरिया जिले के चिनमेरी एवं बेखुंडपुरा मुख्यालय में भी सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ जमकर हल्ला बोल एफआईआर दर्ज कराने और कार्रवाई करने के लिए जगह जगह कांग्रेस जनों ने एकत्रित होकर स्वामी के खिलाफ केस दर्ज कराने की मांग कर रहे हैं। चिरमिरी क्षेत्र में सभी कांग्रेस पार्टी के हर प्रकार के कार्यकर्ता एकत्रित दिखे। वरिष्ठ कांग्रेस प्रकाश तिवारी, मनोज जैन, अधिवक्ता मनीष सिंह कुलमोर, सुभाष कश्यप, चिरमिरी नगर पालिका निगम चिरमिरी के महापौर के डमरू रेड्डी, मनेंद्रगढ़ क्षेत्र के विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल, ओम प्रकाश गुप्ता, शिखा सोनी आदि कई वरिष्ठ कांग्रेस जनों ने इस आंदोलन में भाग लेकर कार्यवाही करने की मांग की।